ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में श्रावण अष्टमी नवरात्रि 1 अगस्त से 10 अगस्त तक बड़ी धूमधाम से मनाए जाएंगे। ज्वालामुखी मंदिर में श्रावण अष्टमी नवरात्रों का शुभारंभ SDM अंकुश शर्मा ने ज्वाला माँ का पूजन करके किया गया। इन नवरात्रों में ज्वालामुखी शहर में 144 की धारा लागू रहेगी और मंदिर मार्ग पर ढोल नगाड़े बजाने वो मंदिर में नारियल ले जाने वो भिक्षा वृत्ति पर पूर्ण तथा प्रतिबंध रहेगा। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में श्रावण अष्टमी नवरात्रे 1 अगस्त से 10 अगस्त तक बड़ी धूमधाम से मनाए जाएंगे। ज्वालामुखी मंदिर में श्रावण अष्टमी नवरात्रों का शुभारंभ SDM अंकुश शर्मा ने ज्वाला माँ का पूजन कर और कन्या पूजन किया। इन नवरात्रों में ज्वालामुखी शहर में 144 की धारा लागू रहेगी और मंदिर मार्ग पर ढोल नगाड़े बजाने व मंदिर में नारियल ले जाने व भिक्षा वृत्ति पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। पहले नवरात्रे को ज्वाला माँ का पूजन कर कन्या पूजन कर श्रावण अष्टमी नवरात्रों का शुभारंभ किया गया। इन नवरात्रों में प्रशासन की तरफ से नारियल व ढोल नगाड़ों पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा और नवरात्रों के दौरान ज्वालामुखी में धारा 144 लागू रहेगी। ज्वालामुखी शहर को 7 सेक्टरों में बांटा गया है। इन नवरात्रों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी प्रबंध किए हुए हैं जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। SDM अंकुश शर्मा ने कहा कि आने वाले श्रावण अष्टमी नवरात्रों में श्रद्धालुओं को सभी मूलभूत सुविधाएं मिले। इन श्रावण अष्टमी नवरात्रों में श्रद्धालुओं को चाहे वो पानी के पीने की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था सभी प्रकार के प्रबंध कर लिए गए हैं। इन नवरात्रों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सभी पुख्ता प्रबंध कर लिए गए हैं। उनके लिए अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया है जिससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को मेटल डिटेक्टर से गुजर कर लाइनों में दर्शन करवाए जाएंगे। नवरात्रों के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर प्रशासन ने 3 टाइम के लंगर की व्यवस्था भी की हुई है और प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं को मेडिकल कैंप भी लगाया गया है जिसमें दवाइयां बिल्कुल मुफ्त दी जाएंगी। ज्वालामुखी मंदिर में CCTV से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी जिससे कोई भी अप्रिय घटना न हो सके। इन नवरात्रों में ज्वालामुखी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए हर व्यवस्था की जाएगी ताकि नवरात्रे के दौरान उन्हें दर्शनों के लिए कोई मुश्किल का सामना न करना पड़े। देखिए जी, हमने पूरी कोशिश करी है कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए। लंगर की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। इसके अलावा हमने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करे हैं, सफाई की बेहतर व्यवस्था करने की कोशिश करी है और हम लगातार यहाँ पे अनाउंसमेंट्स भी कर रहे हैं कि किसी भी तरह का श्रद्धालु को कोई सुझाव हो या किसी भी तरह की उसकी कोई शिकायत हो तो वो हमारे से संपर्क कर सकता है या उसको कोई और असुविधा अगर यहाँ पे फेस करनी पड़ रही हो तो हमारे जो मंदिर प्रशासन है यहाँ पे बिल्कुल तत्पर है। हमारे सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स हैं, टेंपल ऑफिसर हैं, मेला अधिकारी हैं, मैं खुद यहाँ पे अपने ऑफिस में हूँ तो वो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। और मैं सबको इन नवरात्रों की शुभकामनाएँ देता हूँ। देवी माता का सबके ऊपर आशीर्वाद बना रहे, है ना। धन्यवाद। जो हमारा धारा 144 है वो यहाँ पे लागू है और उसके तहत कोई भी जो श्रद्धालु है या और भी कोई भी व्यक्ति है उसको वेपन के साथ इस प्रमाइस में अलाउड नहीं है। हमने मेटल डिटेक्टर लगा रखे हैं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए को ध्यान में रखते हुए हमने ये भी कहा है कि जो नारियल है उसको लेके कोई भी जो मंदिर प्रमाइस में एंटर नहीं करेगा। ढोल नगारे वालों को भी नीचे मंदिर का जो मेन गेट है वहाँ तक ही प्रतिबंधित किया गया है। पुजारी अभिनेंद्र शर्मा ने कहा कि श्रावण अष्टमी नवरात्रों के लिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा व व्यवस्था का पूरा प्रबंध कर लिया गया है। इन श्रावण अष्टमी नवरात्रों में श्रद्धालुओं की सुविधा के सभी प्रबंध किए हुए हैं। इन श्रावण अष्टमी नवरात्रों का माई का पूजन कर और कन्या पूजन कर शुभारंभ किया गया। श्रावण अष्टमी नवरात्रों में ज्वाला माँ के सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इन नवरात्रों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व UP से आते हैं और ज्वाला माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज पहला दिन है और लगातार हो रही बारिश से श्रद्धालुओं में काफी कमी नजर आ रही है, पर प्रशासन ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए हैं। ज्वालामुखी में पंजाब की बड़ी बड़ी संस्थाएं लंगर लगाने के लिए आई हुई हैं। उन्होंने भंडारे का
बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। इस महीने में बहुत अच्छा मौसम होता है। श्रद्धालु इन नवरात्रों में बारिश में भीगते हुए ज्वाला माँ के दर्शन करते हैं और माँ का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इन नवरात्रों में श्रद्धालु माँ के जयकारे लगाते हैं। ये समय बहुत ही उत्तम होता है। इन नवरात्रों में नौ देवियों का पूजन कर प्रसन्न कर सकते हैं। पहले नवरात्र में मैं सभी ज्वाला माई के भक्तों को हार्दिक बधाई देता हूँ कि आज से महामाई के श्रावण मास के नवरात्र शुरू हो गए हैं। आज कन्या पूजन महामाई के भोग के साथ ही झंडा पूजन के साथ महामाई के पहले नवरात्र का पूजन हो चुका है, लेकिन बारिश की वजह से यात्रियों की भारी कमी देखने को मिल रही है। प्रशासन ने बड़े अच्छे प्रबंध किए हुए हैं, पुलिस की बड़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है, लेकिन कमी सिर्फ यात्रियों की है। बस मैं यही प्रार्थना करूंगा कि मौसम अच्छा हो जाए और यात्रियों की संख्या बढ़े और यात्री लाइनों में लगकर महामाई के दर्शन करें। बहुत सी पंजाब की भंडारे वाली संस्थाएं आई हुई हैं, उन्होंने भंडारे का अच्छा प्रबंध किया हुआ है और मंदिर प्रशासन ने भी लंगर की व्यवस्था की हुई है और यात्री जो है थोड़े कम है। बस यही अपेक्षा करें कि यात्री आए और महामाई के दर्शन करें। जय माता की। शरणे द्रम्भके गौरी नारायणी नमस्ते। प्रथमशैलपुत्री ब्रह्मचारिणी दत्त चंद्रघंटेति कुष्मांडेति ज्योतिम पंचम स्कंदमाति सप्तम कात्यायनीति सप्तम कारात्रि महागौरी चाष्टम नवम सिद्धिदात्री दुर्गा देवी नमः। अर्थात नौ दिनों की नौ देवियां इन नवरात्रों में अपनी आशीर्वाद से भक्तों का मंगल करें। बोल सच्चे दरबार की।